झारखंड राज्य आजीविका मिशन, राज्य पोषण मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ साझेदारी में डिजिटल ग्रीन झारखंड समुदाय के बीच सबसे उपयुक्त और स्थानीय रूप में स्वास्थ्य पोषण और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए संवाद परियोजना को लागू कर रहा है। आइए देखते हैं कि संवाद परियोजना के अंतर्गत किस तरह अलग अलग विभागों के पदाधिकारी समन्वय कर गाँव में स्वास्थ्य पोषण एवं परिवार नियोजन की सुविधाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं विनोद होरो, अजय ब्लॉक कन्वर्जेंस कोऑर्डिनेटर BCC रांची जिला में काम कर रहा हूं और एक स्पेशल प्रोजेक्ट है MCB प्रोजेक्ट, मॉडल कन्वर्जेंस ब्लॉक प्रोजेक्ट, उससे जुड़ा हुआ हूं। इसमें कन्वर्जेंस को फोकस किया जा रहा है, विशेष करके हेल्थ डिपार्टमेंट से और ICDS से। ICDS में जो आंगनबाड़ी केंद्र होता है उसको स्ट्रेंथनिंग करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि गांव के लोगों का स्वास्थ्य और पोषण का स्तर में सुधार हो सके। इसके तहत अनेक तरह का अप्रोच है दीदियों को समझाने का, SHG में, VO में और CLF में। मूल रूप से VO में सेतु दीदी हैं, हमारी सेतु दीदियां हैं, वो लोग समझाती हैं दीदियों को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में और उन गाँव की जो दीदी हैं उनको प्रोत्साहित करती हैं, जागरूक करके कि वे लोग स्वास्थ्य का जो सुविधा मिलता है, पोषण का जो सुविधा मिलता है आंगनवाड़ी केंद्र में, वहाँ जा करके उसका लाभ उठा सके। और इसी के दौरान डिजिटल ग्रीन के माध्यम से जो एक वीडियो कम्युनिटी वीडियो अप्रोच है, उसके तहत जो बातें हमें समझानी है उसको हम लोग वीडियो के माध्यम से समझाते हैं और वीडियो बहुत ही सरल ढंग से बनाया गया है। जो स्थानीय परिवेश है उसको उसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे कि दीदियों को लगता है कुछ अपना ही परिवेश का चीज़ हम देख रहे हैं। और इसी संदर्भ में अनेक विषय पर वीडियो हैं, जैसे खिरसापान, ऊपरी आहार, परिवार नियोजन, प्रसव पूर्व जांच, प्रसव के बाद जांच, इस तरह से अन्य बहुत सारे वीडियो हैं जिनके माध्यम से दीदियों को जानकारी दी जा रही है, उनकी जागरूकता बढ़ाई जा रही है। और विशेष करके एक अप्रोच है जिसको बोलते हैं 1000 दिन 1000 डेज, उस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, जिससे कि बच्चा जन्म से पहले से ही स्वस्थ रहे। नमस्कार, मेरा नाम शकुंतला दास है और मैं अनगड़ा प्रखंड हेसल क्लस्टर की सेतु दीदी हूँ। सेतु दीदी का मुख्य कार्य है हमारा कि हमारे यहाँ JSLPS के जो स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं उनका और जो अन्य सरकारी विभाग है उसके साथ समन्वय करना। तो इसमें मुख्यतः हम लोग सारे सरकारी योजनाओं और स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हैं। स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता में सबसे पहले हमारे जो गांव है उसमें आंगनवाड़ी केंद्र आता है, जिसमें कि स्वास्थ्य से संबंधित अनेकों प्रक्रियाएं होती है, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र ही एक ऐसा जगह है जहां पे बच्चे का जीवन का शुरुआत होता है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता का जो दिवस होता है, जैसे VHND जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उस दिन क्या होता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होता है और गांव की जो महिला दीदी लोग रहती है सबको सबके पास समय का अभाव होता है, सब अपने काम में व्यस्त रहती है। तो जब हम लोग वहाँ स्वास्थ्य और पोषण के बारे में बताना शुरू करते हैं तो लोग सुनना नहीं चाहती है, सबको को ध्यान आता है कि मेरे घर का ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, तो लोग जाने के ये में रहती है, मौका का तलाश करती है कि हम लोग कब घर जाएंगे। पर जब हम लोग वीडियो प्रसार प्रारंभ करते हैं तो दीदी लोग में एक उत्साह बढ़ जाता है कि आज क्या दिखाया जाएगा, और वीडियो प्रसार जैसे उसमें फिल्म के माध्यम से दिखाया जाता है तो सभी कोई उत्सुक हो जाती है देखने के लिए। और जैसे दीदी लोग जा रही होती है तो वीडियो प्रसार जैसे ही शुरू होता है दीदी लोग बैठ जाती हैं और वीडियो प्रसार के माध्यम से अगर हम बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति बताता है तो उसमें वो लोग उतना ध्यान से नहीं सुनती है, पर वीडियो प्रसार अच्छी तरह से जब किया जाता है तो उसमें कहानी के माध्यम से दिखाया जाता है कि किस तरह से अलग अलग विषयों पे वहाँ जानकारी दिया जाता है, जैसे कि केवल स्तनपान, खिरसापान, ऊपरी आहार में खाद्य विविधता, उसके बाद परिवार नियोजन का वीडियो। और इससे क्या होता है, वीडियो प्रसार के माध्यम से दीदी लोग खुल के बातचीत करने का एक मौका मिलता है, वो लोग बात करना शुरू करती है, अपने मुद्दों को रखते हैं, जो उनके मन में शर्म है, डर है, वो दूर हो जाता है। वीडियो प्रसार जब शुरू होता है तब वो खुल के अपनी बातें रख पाती हैं, और अगर मान लीजिए वीडियो प्रसार नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो चाह रही है पूछना लेकिन उनको मन में डर रहता है कि किससे पूछे, कैसे पूछे। तो जब वीडियो प्रसार शुरू होता है तो वहाँ एक माहौल बन जाता है कि सभी कोई खुल के अपनी बातों को रखे और उनका जवाब भी मिले। उसमें ANM दीदी भी सहयोग करती है, अपना जो जानकारी है वो बताती है, जो जानकारी सेविका दीदी को है वो बताती है, सहिया दीदी को जो जानकारी है वो बताती है। तो इस तरह से सब में बातचीत का माहौल शुरू हो जाता है और इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसे मान
लीजिए कि पहले लोग उसको व्यवहार में नहीं लाते थे, जैसे सैया दीदी बता रही है, तो उसको सुनते थे उसके बाद वो भूल जाते थे, पर वीडियो प्रसार जब होता है तो चर्चा सभी कोई मिलकर करती है उसके फ़ायदों और नुकसान के बारे में, तो उसको लोग व्यवहार में ला रही हैं, ये फ़ायदा हो रहा है वीडियो प्रसार से। नमस्कार, मैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से अनगढ़ा प्रखंड की महिला पर्यवेक्षिका स्मिता खौरी हूँ। हमारा विभाग ICDS और सेतु दीदी दोनों के समन्वय से हम VHSND डे पर गांव की सभी महिलाओं को इकट्ठा करके पीको प्रोजेक्टर के माध्यम से कुछ वीडियो प्रसारित करते हैं। पीको प्रोजेक्टर से यही फ़ायदा होता है कि जब महिलाएं उस चीज़ को देखती हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझती हैं, उनके मैसेज उनके दिमाग पर अच्छे से असर करता है। जैसे हम स्तनपान पर गर्भवती महिलाओं को और धात्री माताओं को सलाह देते हैं कि वो अपने बच्चे को पहले तो 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान करवाएं और जन्म के तुरंत बाद हो सके तो स्तनपान करवाएं। ये मैसेज अगर वो पीकॉम प्रोजेक्टर के माध्यम से देखती हैं तो उनके अंदर एक दिमागी रूप से कंसेप्ट विकसित होता है, वो देख रही हैं उसका असर ज़्यादा होता है। बोलने के माध्यम से हम जब उनको सलाह देते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो धीरे धीरे किसी भी वजह से भूलती हैं, पर एक फिल्म के रूप में देखना उनके दिमाग पर गहरा असर करता है। सेतु दीदी के द्वारा वीडियो दिखाया जाता है तो वीडियो को गाँव की महिलाएँ बहुत रुचि से देखती हैं और देख करके वो लोग बहुत सारा संदेश उनके मन में होता है। जैसे परिवार नियोजन को ही लेकर हम देखें कि परिवार नियोजन पहले वो लोग उतना जानती भी नहीं थे और परिवार नियोजन का वीडियो दिखाया जाता है तो वो लोग बहुत मन से देखती है, देखने के बाद उनका मन में भी जागरूकता होती है और वो लोग इतनी जागरूक हो जाती हैं कि मतलब जैसे कंडोम के बारे में पहले लोग नाम सब भी नहीं जानती थी, वीडियो में दिखाया गया कि परिवार नियोजन के लिए क्या क्या करना है, कौन कौन सा ये अपनाना है, ये सब जानकारी उनको दिखाया गया जाता है तो वो लोग खुद से इतने जागरूक हो जाती हैं कि NM दीदी से भी वो लोग मांगने लगती हैं कि दीदी हमको ये ज़रूरत है, और इस तरह से वो लोग एक दूसरे से भी इसके बारे में चर्चा करती हैं। मेरा नाम उषा किरण रुंडा है, मैं गितरसुत पंचायत की आंगनबाड़ी सेविका हूं और हम लोग VHND दिवस जो टीकाकरण दिवस है 2 सप्ताह में हम लोग सेतु दीदी और सैया के साथ मिलकर काम करते हैं। सेतु दीदी वीडियो के द्वारा पोषण के संबंध में बताते हैं जिसमें महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। जैसे सास लोग बताते थे कि दूध खिरसा दूध नहीं पिलाना है, बच्चे को हानि होगा, लेकिन जब देखी कि नहीं वीडियो द्वारा अच्छा प्रभाव पड़ रहा है उन लोगों पर कि पिलाने का सलाह मिल रहा है तो वो लोग अपने ऊपर लेकर जिम्मेवारी लेकर बच्चे को तुरंत खिरसा पान का प्रयोग कर रहे हैं और ऊपरी आहार पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सभी को जोहार, मेरा नाम है सीमा कुमारी, हम गीतासुत क्लस्टर में सेतु दीदी के रूप में कार्यरत हूँ। हम वीडियो प्रसार करते हैं जैसे आंगनबाड़ी और VEO CLF में, उसमें हम वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हैं कि बच्चों का ख्याल कैसे रखते हैं, गर्भवती महिला को धात्री महिला को और दो बच्चों में अंतर कैसे रखते हैं, परिवार नियोजन हम सफ़र ये सब के बारे में वीडियो दिखाए हैं जिसमें वीडियो को देख के वो लोग लागू भी कर रहे हैं और सुधार भी हो रहा है। जैसे परिवार नियोजन में वो लोग देखे हैं तो उसमें हम बताए थे, वीडियो में दिखाया गया था कि परिवार नियोजन किस तरह होगा उसके उपाय के बारे में बताया गया था जिसमें बताया गया था कंडोम कोपर्टी, तो ये सब बोलने में दीदी सब हिचकिचा रही थी, शर्मा रही थी, नहीं बोल सक रही थी, तो इस वीडियो के माध्यम से खुल के बोलने लगी है कि हाँ अब से हम लोग भी कंडोम का उपयोग करेंगे या तो 3 साल का अंतराल रखेंगे। हमको सेतु दीदी का काम में सबसे अच्छा ये लगा कि जो वीडियो प्रसार मतलब हम VEO में और आंगनबाड़ी सेंटर में जाके जो वीडियो दिखाते हैं जिसमें स्वास्थ्य और पोषण से रिलेटेड रहता है उसमें हमको सब सहिया और सेविका सहिका और VEO का दीदी सब भी हमको वीडियो दीदी से जानते हैं कि वीडियो दिखाने वाली दीदी आ गई, भले सेतु दीदी का नाम उतना ना याद हो या कुछ भी, लेकिन वीडियो दीदी की मतलब कि वीडियो दिखाने वाली दीदी आई है जो स्वास्थ्य पे काम करते हैं, स्वास्थ्य का वीडियो दिखाएगी इसके नाम से भी जानते हैं और जहाँ भी देखते हैं जोहार प्रणाम दीदी करते हैं। मैं सस्तपिंदर गेतलसुद की NM दीदी हूँ
आज जो यहाँ पर वीडियो दिखाया गया और पहले भी सीमा दीदी एक है वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में हर भी एच दिन के लिए अलग अलग विषय में वीडियो दिखाती हैं, तो वो वीडियो को देख करके यहाँ की महिला लोग भी कुछ जागरूक हो गई और मैं भी आंगनबाड़ी केंद्र में देखती हूँ, मुझे भी लगा कि ये बहुत अच्छा चीज़ है और इसको गांव का महिला लोग को हमको भी बताना चाहिए एनएम होने के नाते। तो हम लोग एनएम दीदी, सहिया दीदी और यहाँ की सेविका दीदी हम लोग उन लोग को बताते हैं परिवार नियोजन के विषय में। पहले हम लोग बताते थे लेकिन कुछ कुछ महिला लोग शर्माती थी कंडोम लेने के लिए, मालाएं लेने के लिए या कुछ भी अस्थायी विधि लेने के लिए शर्माती थी, लेकिन जब से इन लोग वीडियो देख रही है तब से महिलाओं लोग में कुछ जागरूकता आई। उन लोग अब हम लोग के पास स्वास्थ्य केंद्र गए में उन लोग अपने से कंडोम मांगने जाती है, मालाएं भी मांगने जाती है, कोपटी के लिए भी वो लोग आती है, हम लोग से सलाह भी लेती है। सबको जोहार, मेरा नाम हुआ रेणु देवी और मैं टीटांगर क्लस्टर की सेतु दीदी हूँ। मैं भीओ और भीएचएनडी में स्वस्थ पोषण दिवस के बारे में वीडियो दिखाती हूँ। जैसे वीडियो में जो चीज़ देखते हैं उसको अमल करते हैं और दूसरा लोग को भी बताते हैं और भीएचएनडी में लाभार्थी लोग को भी बताते हैं और भीओ की दीदी लोग को भी बताते हैं। परिवार नियोजन का तरीका अपनाना है, कंडोम, मलाइन, मलाडी, ये सब पहले से ये सब व्यवस्था तो रहता था लेकिन दीदी लोग जागरूक थे, लेकिन सब दीदी लोग जागरूक नहीं थे, लेकिन अभी वीडियो के माध्यम से थोड़ा अधिक जागरूक होने लगी है और जो दीदी लोग शर्म से नहीं मांग रही थी उन लोग खुले से मांग करके अपना मलाइन, कंडोम, कोपट्टी ये सब ले रहे हैं। हर मेरा नाम है हर्षी डुंगडुंग और हम गड़गड़ बाहर के भीओ अध्यक्ष हैं। हमारे भीओ में सेतु दीदी आती है और स्वास्थ्य और पोषण संबंधित वीडियो दिखाती है। तो हम लोग जैसे आंगनबाड़ी से केंद्र गए वहाँ पर देखे कि हमारे गांव की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका पेड़ू जांच नहीं हो रहा है। वहाँ पेड़ू जांच नहीं होने के कारण में यहाँ की दीदी लोग को प्रसाव के दौरान जैसे कि दिक्कत होना, ये होना हम लोग वीडियो में देख रहे थे। इसीलिए हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ की सहिया आंगनबाड़ी जो सेविका थी उनसे हम लोग वहाँ पे प्रस्ताव किए कि हम लोग वीडियो देखते हैं, वहाँ पे हम लोग को इस तरह की जानकारी मिलती है तो यहाँ पे भी ऐसा व्यवस्था होना चाहिए ताकि हमारे गाँव के जो गर्भवती माताएँ हैं उन लोग का पेड़ जांच अच्छा से हो और वो लोग को प्रसाव के दौरान कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसलिए हम लोग वहाँ पे आंगनबाड़ी में गए और सेविका से मांग किए और अभी यहाँ पे हम लोग का गड़गड़ बाहर आंगनबाड़ी केंद्र में पेड़ जांच का सुविधा है और हमारी गांव की महिलाओं का अच्छा से पेड़ जांच भी हो रहा है। और पहले जो नहीं होता था तो हम लोग को जो सेतु दीदी का वीडियो दिखाने के कारण जो हमारे गाँव में बदलाव आया है तो बस वही वीडियो के कारण ही आया है और हमारे गांव में अभी अच्छा से सभी गर्भवती माताओं का पेड़ जांच भी हो रहा है। जब गर्भावस्था में आंगनबाड़ी जाते थे तो सबसे पहले तो खून की जांच होती थी और गर्भावस्था में चार जांच होती है, बीपी जांच कराते थे, वजन कराते थे और उसमें सही पता चलता था कि मेरा वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है और बीपी ठीक है कि नहीं है। उसके बाद में हम लोग का सेतु दीदी आती थी आंगनबाड़ी केंद्र में और वीडियो दिखाती थी जिसमें हमको पहले कुछ उतना मालूम नहीं था गर्भवती माता को क्या करना चाहिए उसके बारे में, जो हम वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखे और आंगनबाड़ी केंद्र में मेरा पेड़ू जांच नहीं होता था तो हम अपना पेड़ू जांच के लिए वहाँ की एनएम दीदी और सेतु दीदी भी वहाँ की बोली कि पेड़ू जांच यहाँ कराना सबसे ज़रूरी है, हम अपना पेड़ू जांच वहाँ की दीदी से कराएं एनएम दीदी से और उसमें पता चला कि मेरा पेड़ू जांच से मेरा बच्चा भी स्वस्थ है और माँ भी स्वस्थ है।